हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, आइए आज क्लास 11th का 5th लेक्चर से लेकर आए हुए हैं आप लोगों के समक्ष, जो कि है लंबवत विधि। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं लंबवत विधि, और जहाँ तक हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पैरेलेक्स मेथड। आज हम समझने वाले हैं कि पैरेलेक्स मेथड होता क्या है, और यह कोई बोर्ड एग्जाम में पूछता है न तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, लेकिन सपोर्टेड NCERT में दे दिया है तो हमको पढ़ाना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, कितने लोग इसको छोड़ दिया करते हैं, लेकिन हम आपको NCERT के एक पॉइंट भी छोड़ने वाला नहीं है, यानी टू द पॉइंट आप लोग को NCERT को कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, जो कि पहला दूसरा चैप्टर चल रहा है आप लोग के समक्ष, यूनिट एंड डाइमेंशंस मेजरमेंट्स। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं आज का लेक्चर से आप लोगों को समक्ष रहेगा लंबवत विधि, और इसको इंग्लिश में बाबू हम लोग बोलते हैं पैरेलेक्स मेथड। क्या बोलते हैं बाबू? पैरेलेक्स मेथड। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि पैरेलेक्स मेथड होता क्या है, और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में पैरेलेक्स मेथड का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे कर सकते हैं, जरा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे बाबू। देखिए बाबू, मान लेते हैं सिंपल से वर्ड में समझिए कि अगर छोटा डिस्टेंस रहता है तो हम इंची टेप या कोई भी इक्विपमेंट से आसानी पूर्वक उसको मेजर कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं बहुत काफ़ी अधिक डिस्टेंस हो तो उसको मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट आपको चाहिए। जैसे यहाँ पर पृथ्वी से सूर्य की दूरी हो गया, यह पृथ्वी से सूर्य की दूरी काफ़ी अधिक दूरी है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हो गया, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी काफ़ी अधिक है, और इन दूरियों को मेजर करने के लिए हम लोग लंबवत विधि यानी पैरेलेक्स मेथड का उपयोग किया करते हैं। यानी बहुत अधिक दूरियों को मापने के लिए हम लोग लंबवत विधि यानी पैरेलेक्स मेथड का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लंबवत विधि में नीचे लिख लीजिएगा, यह विधि लिख लीजिएगा, लंबवत विधि का उपयोग लिख लेते हैं, लंबवत विधि का उपयोग बहुत अधिक यानी पृथ्वी से सूर्य के बीच के दूरी को ज्ञात करने के लिए लंबवत विधि का उपयोग किया जाता है। लंबवत विधि का उपयोग किया जाता है। अब जरा यहाँ पर बाबू हम लोग ध्यान देंगे, अगर सिंपल से वर्ड में समझिए कि अगर छोटा डिस्टेंस रहेगा तो हम लोग इंची टेप या फीता की सहायता से बहुत आसानी पूर्वक मेजर करके हम लोग बता सकते हैं। अगर सपोज दैट बहुत काफ़ी अधिक दूरी हो, जैसे पृथ्वी तल से सूर्य का दूरी, यह काफ़ी अधिक दूरी होता है, पृथ्वी तल से चंद्रमा की दूरी, यह काफ़ी अधिक दूरी होता है, और इन सारी दूरियों को मेजर करने के लिए हम लोग पैरेलेक्स मेथड का उपयोग करते हैं। कौन सा मेथड का उपयोग करते हैं बाबू? पैरेलेक्स मेथड का उपयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे यहां पर मान लेते हैं कोई सन हो गया, क्या हो गया बाबू? सन ऑफ लाइट हो गया। यहां पर ध्यान देंगे बाबू, मान लेते हैं यहां पर सन ऑफ लाइट हो गया, ये क्या है बाबू? सन है, यानी सन ऑफ लाइट है। सन ऑफ लाइट है, क्या है बाबू? सन ऑफ लाइट है।
तो इसको मान लेते हैं ए पॉइंट और यहाँ पर मान लेते हैं बी पॉइंट और सोन ऑफ लाइट आपका एस पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बाबू? एस पॉइंट है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जिस पृथ्वी तल पर हम लोग ठड़े हैं उसका एक्चुअल में कुछ लंबाई तो जरूर होगा, यानी चौड़ाई तो कुछ होगा, यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का कुछ दूरी होगा। जिस तल पर हम ठड़े होकर सूर्य के प्रकाश के तरफ देखते हैं तो जिस तल पर हम ठड़े होते हैं उसका एक्चुअल में कुछ लंबाई होता होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में लंबाई कितना है बाबू? मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर एक्चुअल में लंबाई बी है। कितना है? बी है। और यहाँ पर पृथ्वी तल की लंबाई क्या है? बी है। और पृथ्वी तल पर हम ठड़े होकर सूर्य की तरफ देखते हैं तो कुछ ऐसे देखेंगे, पृथ्वी तल पर सूर्य को कुछ ऐसे देखेंगे। तो बाबू देखिए कुछ ऐसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दोनों आई का जो डायमेंशन से एक पॉइंट पर मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ कोण भी बनेगा। क्या बनेगा? कुछ कोण भी बनेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं थीटा कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा? थीटा कोण बनेगा। और जिस पृथ्वी तल पर हम खड़े हैं उस पॉइंट से पृथ्वी यानी सूर्य की तरफ दिख रहे हैं तो यहाँ से लेके यानी पृथ्वी तल से सूर्य के बीच कुछ डिस्टेंस होगा। अगर सपोज डेट हमको पता नहीं है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं डी। कितना मान लेते हैं? डी। कितना मान लेते हैं बाबू? डी। और ए जब यहाँ पर पॉइंट ए से लेके एस तक का डिस्टेंस डी है तो पॉइंट बी से लेके एस तक का डिस्टेंस भी कितना होगा बाबू? डी ही होगा। कितना होगा? डी ही होगा। यानी जो ए डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्टेंस ए भी होगा। अब देखिए यहाँ पर जो डी होता है यहाँ पर लिखेंगे दिए गए चित्र के अनुसार, दिए गए चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, दिए गए चित्र के अनुसार। अब यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फिगर। और इस फिगर से हम कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर डी क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी होता है। यानी डी को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी तल से सूर्य के बीच की दूरी, बीच की दूरी। और यहाँ पे यहाँ पर डी होता है, यहाँ पर बी होता है। यहाँ पर डी तो समझ गए, बड़े वाला जो डी होता है पृथ्वी तल से सूर्य के बीच की दूरी होता है, और छोटा वाला डी क्या होता है? पृथ्वी का व्यास होता है। जो यहाँ पर पृथ्वी का आकार क्या है? एक गोले की आकार की है, कुछ ऐसे है, एक गोले की आकार की है। तो इसका कुछ ना कुछ एक्चुअल में एक व्यास भी होगा यानी डायमीटर भी होगा। तो डायमीटर क्या है बाबू? वी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पृथ्वी के व्यास, पृथ्वी के व्यास, पृथ्वी के व्यास। और थीटा को क्या बोलते हैं बाबू? कोण बोला जाता है। यानी जो थीटा यहाँ पर कोण बन रहा है और इसी कोण को हम लोग बोलते हैं पैरेलेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? पैरेलेक्स एंगल, पैरेलेक्स एंगल, पैरेलेक्स एंगल। क्या बोलते हैं बाबू? पैरेलेक्स एंगल। अब जरा यहाँ पर गौर करेंगे बाबू, जो यहाँ पर पृथ्वी तल से सूर्य के जो बीच की दूरी होती है यह दूरी काफ़ी अधिक होती है। किस से? ये व्यास से, यानी डायमीटर से। यानी जो ये वाला दूरी होगी काफ़ी अधिक होगा किस से? डायमीटर यानी व्यास से। तो देखिए यहाँ पर डी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? बी। इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर थीटा बराबर यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट। हम जानते हैं कि यहाँ पर थीटा बराबर, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका व्यास कितना है? डायमीटर कितना है? बी। और पृथ्वी तल से सूर्य के बीच की दूरी क्या है? बड़े वाले बी है। और ये फार्मूला हो गया, अगर एंगल निकालना रहे तो ये फार्मूला पर हम लोग निकालेंगे। अगर सपोज डेट यहाँ पर बी यानी व्यास निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर कुछ नहीं तो वन मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी बराबर हो जाएगा थीटा डी। यानी आपका डायमीटर इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, यानी बी का वैल्यू यानी डायमीटर का वैल्यू इस फार्मूला के माध्यम से आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज डेट डी का वैल्यू पूछे यानी पृथ्वी तल से सूर्य के बीच की दूरी पूछे, इसको डी से डिनोट करते हैं तो डी बराबर कितना हो जाएगा? बी। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा नीचे चला जाएगा तो यानी बी बटा कितना हो जाएगा? थीटा। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। और थीटा जो होता है वेरी स्मॉल एंगल होता है,
थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल यानी जो थीटा होता है ये काफ़ी छोटा एंगल होता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए और बाबू यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग कुछ प्रोसेस करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये फार्मूला की तो आप लोग देख लिए, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने से पहले अब जरा यहाँ पर कुछ बेसिक टर्मोलॉजी पे आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर 360 डिग्री बराबर कितना होता है बाबू, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बराबर कितना होता है बाबू, 2 पाई रेडियन। कितना होता है, 2 पाई रेडियन। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर 2 से और यहाँ पर 360 में भाग देंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। कितना हो जाएगा बाबू, पाई रेडियन। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन। और बाबू बताइए यहाँ पर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है। उसके बाद जस्ट हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है बाबू, यहाँ पर 1.7745 और गुणे 10 के पावर माइनस 2 रेडियन के बराबर होता है, 2 रेडियन के बराबर होता है। यानी 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है यह 1.745 × 10⁻²² रेडियन के बराबर होता है। किसके रेडियन के बराबर होता है, 1.745 × 10⁻²² रेडियन के बराबर होता है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू कि यहाँ पर 1 डिग्री तो हो गया, अब 1 मिनट बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1.745 आगुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻²² रेडियन इतना हो जाएगा। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो यानी 1 मिनट बराबर हो गया यहाँ पर 60 मिनट बराबर इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1.745 अगुण 10⁻²² रेडियन। अब बाटा में यहाँ पर कितना है, 60 है, तो यहाँ पर बाटा में 60 चला आएगा। और इसको कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2.91 अगुण 10⁻⁴ और यहाँ पर क्या लिखेंगे, RAD यानी रेडियन, यानी 2.91 × 10⁴ रेडियन के बराबर होगा। अगर इसको हम मिनट में चेंज किए तो इतना आया, अगर सपोज डेट सेकेंड में हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर 60 सेकेंड बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन इतना आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 1 सेकेंड बराबर 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। अब बाटा में यहाँ पर 60 नीचे चला आएगा, उसके बाद कुछ यहाँ पर कटा देंगे यानी इसको कट जाएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसे आएगा 4.85 × 10⁻⁴ यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 और यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू, रेडियन। यानी मिनट में आपका 1 मिनट में इतना रेडियन आया 2.91 × 10⁻⁴ और यहाँ पर 1 सेकेंड में कितना रेडियन है, 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इस 2 पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे, यहाँ पर 1 मिनट बराबर कितना रेडियन होता है बाबू, 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन, इतना रेडियन को हम लोग याद करके रखेंगे तब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेगा। अगर यहाँ पर 1 सेकेंड में कितना रेडियन आया यानी 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन इतना आया। यहाँ तक बताइए कोई डाउट,
आप इसको नोट नहीं किए हैं तो बाबू सबसे पहले नोट कर लीजिए, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम करेंगे कि इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दो चार दिए गए हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं कि कैसे उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाए तो वेरी आसानी से हम लोग कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह कंसेप्ट आप लोग को क्लियर रहेगा, यानी एक मिनट बराबर इतना रेडियन है 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन, और एक सेकेंड में कितना रेडियन होता है 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। यह दो कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, तब पैरेलेक्स मेथड पे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बहुत आसानी पूर्वक से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, इसको नोट नहीं किया तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये आपका एनसीईआरटी में जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिया है बाबू, कुछ ऐसे दिया है, मान लेते हैं यहां पर कुछ ऐसे दिया है, कुछ ऐसे दिया है, मान लेते हैं पॉइंट ए मान लेते हैं, और पॉइंट यहाँ पर बी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं सन ऑफ लाइट है, क्या है सन ऑफ लाइट है, और यहाँ पर सन ऑफ लाइट है, यहाँ पर रिस्पेक्ट में इस सन ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो एंगल होता है यहाँ पर दिया है 1 °54' दिया है, 1 °54' दिया है, 1 °54' दिया है, और यहाँ पर पृथ्वी तल की जो दूरी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का जो दूरी दिया है बाबू 1.1276 × 10⁻⁴, यहाँ पर दिया है 4 मीटर, इतना दिया है। अब देखिए यहाँ पर ए वाला जो यहाँ पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक की दूरी होती है इसको हम बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं बी लिखते हैं, और पॉइंट ए से लेकर पॉइंट एस तक की जो दूरी होती है इसको लिखते हैं डी, क्या लिखते हैं डी, और इसको जो यहाँ पर पॉइंट ए से लेके एस तक का जो दूरी होता है इसको बोलते हैं डी, और पॉइंट बी से पॉइंट एस तक का जो दूरी होता है इसको भी हम लोग क्या लिखते हैं बाबू डी, क्या लिखते हैं डी। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एंगल दिया है और यहाँ पर जो पृथ्वी की जो यानी व्यास होता है यानी डायमीटर होता है, यह डायमीटर का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है डायमीटर का वैल्यू दिया है, और हमको पृथ्वी तल से सूर्य के बीच की दूरी को हमको निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया चित्र के अनुसार, दिए गए चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, दिए गए चित्र के अनुसार, आपका चित्र में दिया गया है यहाँ पर थीटा का वैल्यू आपका दिया है 1 °54' इतना दिया है, तो डिग्री को मिनट में चेंज करते हैं, किस में मिनट में, तो 1 °० बराबर कितना 60 मिनट, आप प्लस यहाँ पर क्या है 54 मिनट, अब इसको जोड़ेंगे 60 + 54 कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 114 मिनट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 114 मिनट हो जाएगा, और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो समझ गए, अब 114 मिनट आ गया, 114 मिनट आ गया, अब मिनट को किस में चेंज करना है, मिनट को आपको रेडियन में चेंज करना है, तो ए वाला मिनट है तो मिनट में हम रेडियन में चेंज करने के लिए यहाँ पर मिनट का वैल्यू कितना आया हुआ है बाबू 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन इतना आया हुआ है। अब इसको कुछ गुणा करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू आएगा, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका जो वैल्यू होगा बाबू, अब यहाँ पर इसका इतना थीटा का वैल्यू निकल गया, अब देखिए यहाँ पे, अब फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर कितना होता है यहाँ पर, थीटा बराबर कितना होता है बाबू, थीटा बराबर होता है बी बटा डी, इतना फार्मूला होता है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो वन मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा थीटा डी, इतना हो जाएगा, और आपका थीटा का वैल्यू दिया है और पृथ्वी का व्यास दिया है और पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा बी बटा थीटा, तो यहाँ पर डी बराबर कितना लिख सकते हैं बाबू बी बटा थीटा, डी बराबर कितना लग सकते हैं बाबू बी बटा थीटा, और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। उसके बाद जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी है तो डी यहाँ पर डी बराबर और बी का वैल्यू कितना दे रखा है, यही ना बी का वैल्यू, तो बी के जगह पर बी का वैल्यू रखेंगे 1.276 × 10⁻⁴ कितना है बाबू 4 आ बटा, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आया बाबू, अभी तो थीटा का वैल्यू निकाले हुए हैं, यहाँ पर कितना आया 1 114
गुणे दस एक से चौदह गुणे 2.91 और गुणे 10^-4 रेडियन इतना होगा है। और यहाँ पर d बराबर और इसको कुछ कटाएं छटाएंगे तो आपका जो आंसर में होगा बाबू 3.84 गुणे 10^8 गुणे 10^8 और दूरी है तो दूरी की सही मात्रा कितना होता है बाबू मीटर, कितना होता है मीटर। और पृथ्वी तल से सूर्य के बीच की दूरी कितना आ गया बाबू 3.84 गुणे 10^8 मीटर। और बताइए इस पर के क्वेश्चंस कोई डाउट इसमें, इसको जो जब हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो दशमलव के बाद दो गो अंक है तो ऊपर दो गो जीरो बैठेगा, दशमलव के बाद तीन अंक है तो नीचे तीन गो जीरो बैठेगा, और कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे कटा छटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3.84 × 10^8 मीटर के आसपास आएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट बाबू, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। और इसी पर बेस्ट एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब जरा यहाँ पर दूसर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये फर्स्ट है बाबू, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल क्या है बाबू फर्स्ट है, यह एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अब इसको मिटा देते हैं और सेकेंड एग्जाम्पल पर हम चलेंगे कि सेकेंड एग्जाम्पल कैसे हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल पर हम लोग चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल क्या है बाबू, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल ये कह सकता है सूर्य का कोणीय व्यास, मान लेते हैं कोई सन ऑफ लाइट है उसका जो कोणीय व्यास का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है कोणीय व्यास का वैल्यू दिया है यानी डायमीटर का मेजरमेंट यानी माप दिया है, तो यहां पर लिख लेंगे सूर्य के कोणीय व्यास की मान, सूर्य के कोणीय व्यास के माप, सूर्य के कोणीय व्यास के माप आपका दिया है 1920 मिनट दिया है, कितना दिया है 1920 सेकेंड दिया है, 1920 सेकेंड है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है तो पृथ्वी से सूर्य के दूरी पृथ्वी से सूर्य के दूरी पृथ्वी से सूर्य की दूरी आपका है यहाँ पर दिया है 1.496 गुणे 10^11 मीटर हो तो सूर्य का व्यास क्या होगा, सूर्य के व्यास क्या होगा यानी सूर्य का जो डायमीटर होगा यह क्या होगा। अब यहाँ पर क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सवाल में देखेंगे दिया गया है और सवाल में क्या दिया है, जो कोणीय व्यास की माप है यह कितना है बाबू, यहाँ पर कोणीय व्यास का जो मान है यानी थीटा का वैल्यू यहाँ पर एक्चुअल में कितना दिया है, यहाँ पर 1920 सेकेंड दिया है, इतना दिया है। और सेकेंड को रेडियन में चेंज करने के लिए सूत्र क्या होता है बाबू, यानी 1920 गुणे 4.85 गुणे 10^-6 रेडियन। सेकेंड को रेडियन में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला आपका वैल्यू होता है 4.8 गुणे 10^-6 रेडियन। और इसको कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो बाबू कितना आएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा 9.31 गुणे 10^-3 रेडियन, -3 रेडियन। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे गुणा करेंगे तो 9.31 गुणे 10^-3 रेडियन के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा बराबर वैल्यू होता है बाबू बी बटा कितना होता है डी होता है, इतना होता है। और हमको क्या निकालना है, आपको पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी दिया है यानी जो पृथ्वी तल है उससे सूर्य के बीच की दूरी आपको दे रखा है तो निकालना है पृथ्वी का व्यास निकालना है, क्या निकालना है सूर्य का व्यास निकालना है कि डायमीटर कितना होगा सन ऑफ लाइट का, यानी आपका बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो वन मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा बाबू थीटा डी, कितना हो जाएगा थीटा डी। और थीटा का वैल्यू एक्चुअली में कितना दे रखा है ए वाला थीटा का वैल्यू दिया है, यही नहीं दिया है बाबू, तो यहाँ पर थीटा का जगह पर 9.31 गुणे 10^-3 और यहाँ पर डी का वैल्यू एक्चुअल में कितना दिया है। अब जरा देखा ध्यान देंगे यहाँ पर डी का वैल्यू कितना दिया है, पृथ्वी तल से सूर्य के बीच की दूरी दिया है 1.496
अगुणे 10^11 मीटर दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, इसको कुछ कैलकुलेशन करेंगे यानी गुणा भाग करेंगे तो 1.39 अगुणे 10^9 मीटर के आसपास होगा, यानी बी का वैल्यू आ गया। और बी क्या होता है, एक दूरी होता है यानी एक लेंथ होता है, और लंबाई की एसआई मात्रा क्या हो जाएगा बाबू, मीटर। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे पार्लेक्स मेथड क्या होता है, यानी बहुत बहुत अधिक से अधिक दूरियों को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पार्लेक्स मेथड का उपयोग करते हैं। जैसे पृथ्वी तल से सूर्य की दूरी हो गया, पृथ्वी तल से चंद्रमा की दूरी हो गया, यानी इन सारी पृथ्वी तल से ग्रह की दूरी हो गया, यानी इन सारी दूरियों को मेजर करने के लिए हम लोग पार्लेक्स मेथड का उपयोग करते हैं। और छोटे दूरियों को मेजर करते हैं तो हम लोग आसानी पूर्वक से इंची टेप या फीता से हम लोग माप सकते हैं, लेकिन काफ़ी अधिक दूरी हो तो उसको मापने के लिए कोई ना कोई विधि चाहिए, यानी कोई ना कोई मेथड चाहिए, और अधिक दूरी के लिए मेथड है बाबू पार्लेक्स मेथड। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बाबू, थैंक यू सो मच। इसको नोट नहीं किया तो सबसे पहले बाबू नोट डाउन कर लीजिए।